दोस्तों, अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गोल सेटिंग को करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं और इजीली आप उस तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है ख़ासतौर से वो उसी के ऊपर है दोस्तों, कि आपको गोल सेटिंग की इम्पोर्टेंस। जी हाँ दोस्तों, 11 रीजन वाई गोल सेटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल .NET Institutes में। और आज की वीडियोस में हम ऐसे 11 रीजन्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी गोल सेटिंग में हमारी हेल्प करेंगे और गोल सेटिंग के बेनिफिट्स हमें बताएंगे कि गोल सेटिंग अगर हम करते हैं लाइफ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए तो वो कितना बेनिफिट्स हमें दिला सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 11 रीजन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के जैसे कि इस वीडियो में 11 रीजन वाई गोल सेटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, 11 कारण गोल सेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो या कुछ भी बड़ा हासिल करना चाहते हो तो आपके पास उसका एक प्रॉपर रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी सभी रिटन फॉर्मेट में। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में किसी भी बड़े से बड़े गोल को भी आसानी से हासिल कर सकते हैं और बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स आप इजीली अचीव कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और ये प्रैक्टिकली मैंने अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किया है और खुद मैंने ये चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई की है और अच्छे रिजल्ट मैंने इनके ज़रिए अपनी लाइफ में पाए हैं। तो यही सब मैं आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि 11 कारण क्यों गोल सेटिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, पेन और पेपर लेके साथ में बैठिएगा, इन 11 पॉइंट्स को आप नोट कीजिए और अपने लाइफ में इनको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए तो डेफिनेटली आपको भी वही सक्सेस मिलेगी जो मैंने अपनी लाइफ में इन गोल्स के ज़रिए पाई है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नंबर वन रीजन के बारे में, नंबर वन कारण के बारे में कि गोल सेटिंग क्यों महत्वपूर्ण है। पहला रीज़न है फ्रेंड्स आपके लिए, गोल्स क्रिएट ए रोड मैप फॉर सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य सफलता के लिए एक रोड मैप बनाते हैं और ये फैक्ट है। अगर आप कोई भी बड़ी अचीवमेंट अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो तो आपको उसको रिटर्न में अपना एक रोड मैप पहले सेट करना होगा, एक स्ट्रक्चर, एक फॉर्मेट, एक लेआउट आपको उसका तैयार करना होगा। उसी के बदौलत आप उस तक पहुंच पाएंगे और अच्छे से आप उसको हासिल कर पाएंगे। तो पहला रीज़न था फ्रेंड्स, गोल्स क्रिएट ए रोड मैप फॉर सक्सेस, लक्ष्य सफलता के लिए एक रोड मैप बनाते हैं। बढ़ते हैं नंबर टू रीज़न की ओर फ्रेंड्स, गोल्स आर द टारगेट टूवर्ड्स विच यू पॉइंट योर लाइफ। जी हाँ दोस्तों, गोल्स वे लक्ष्य हैं जिनकी ओर आप अपने जीवन को इंकित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, गोल्स हमारी लाइफ में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम अचीव करने के लिए, जिन टारगेट्स को हम अचीव करने के लिए अपनी लाइफ में एक विज़न के साथ पॉइंट आउट करते हैं जिससे कि उनको अचीव करने में हमें आसानी होती है। बढ़ते हैं नंबर थर्ड पॉइंट्स की तरफ फ्रेंड्स, थर्ड रीजन की तरफ, व्हाई गोल सेटिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसका तीसरा रीज़न है, गोल्स गिव यू ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए डेस्टिनेशन टू रीच। लक्ष्य आपको एक प्रारंभिक बिंदु और पहुंचने के लिए एक गंतव्य प्रदान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य अगर आप बनाते हो, गोल्स अगर आप बनाते हो तो उससे आपको अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट्स का पता लगता है और आपको कहाँ पहुंचना है, किस मंजिल तक पहुंचना है, किस गंतव्य तक आपको पहुंचना है, किस डेस्टिनेशन को आपने अचीव करना है, ये बताने में आपकी हेल्प करते हैं। तो तीसरा पॉइंट था फ्रेंड्स आपको, गोल्स गिव यू ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड ए डेस्टिनेशन टू रीच। नंबर फोर पॉइंट्स की ओर हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे, रिटन गोल्स हेल्प यू टू सी वेयर यू आर गोइंग, व्हाट चेंजेस यू नीड टू मेक एंड इफ यू आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स योर प्राइज। जी हाँ दोस्तों,
लिखित लक्ष्य, रिटन गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखित लक्ष्य आपको यह देखने में मदद करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। यदि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप अपने अवार्ड, आप अपनी अचीवमेंट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो रिटन गोल्स ऑलवेज आपको बहुत बड़ी हेल्प करते हैं कि आप उनमें, अगर आपको बीच में लगता है कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो आपके पास अगर वो रिटन फॉर्मेट में है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं। आपको पता लग जाता है सिचुएशन के हिसाब से कि अभी आपको किस स्टेप को लेना चाहिए, और अगर आप अचीव कर रहे हैं तो आप उससे और ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हैं और अपने आप को मोटिवेशन अपने अंदर ला सकते हैं कि आप अचीव कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं, आप उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सभी आपको रिटन गोल्स बताते हैं और आपको काफ़ी मोटिवेट भी ये करते हैं। बढ़ेंगे नंबर 5 रीजन की ओर, कि नंबर 5 रीजन जो कि हमारा है, व्हाई गोल सेटिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, उसका नंबर 5 पॉइंट है फ्रेंड्स आपके लिए। टू अचीव योर गोल यू मस्ट मेक sacrifice, stay committed, overcome challenges and work to your plan। जी दोस्तों, अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको बलिदान देना चाहिए, प्रतिबद्ध रहना होगा, चुनौतियों से पार पाना होगा और अपनी योजनाओं पर काम करना होगा। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल डी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी आपके लिए बनाई है कि लाइफ में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं किसी भी चीज़ में तो आपको ट्रिपल डी फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जो कि है आपका डिज़ायर, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। ध्यान दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा है और उसको पाने के लिए आपके पास में एक लगन, एक दृढ़ संकल्प भी है आपके पास में, तो आप डेफिनेटली उसको अचीव कर सकते हैं। इसलिए ट्रिपल डी का फॉर्मूला जो कि डिज़ायर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होगा किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नंबर 6 पॉइंट की ओर, जो कि हमारा गोल्स हेल्प यू फोकस योर अटेंशन ऑन योर पर्पज एंड मेक इट योर डोमिनेट एस्पिरेशंस। लक्ष्य आपके ध्यान को आपके उद्देश्य पर केंद्रित करने में मदद करते हैं और उसे आपकी प्रमुख आकांक्षा बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सामने विजन है, आपके सामने गोल है, आपके सामने अपना मंजिल है, तो आप उसके प्रति डेडिकेट होते हैं, आप उसके प्रति, आपके पास में कोई पर्पज होता है, कोई लक्ष्य होता है, तो आप इजीली उसको अचीव करने में लगे रहते हैं। तो एक बेस्ट वे है, ये सभी चीज़ आपको मिलेगी आपके गोल्स की सेटिंग की वजह से। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नंबर 7 की ओर, गोल्स अचीवमेंट रिक्वायर ए कमिटेड, कंसंट्रेटेड एंड कंसिस्टेंट वर्क एथिक टू मेक योर ड्रीम्स ए रियलिटी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए एक प्रतिबद्ध, एकाग्र और लगातार काम करने की नीति की आवश्यकता होती है। तो एक परफेक्ट वे है फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में अपने सपनों को साकार करना, तो आपके पास में एक प्रतिबद्धता, एकाग्रता और लगातार काम करने की नीति की आवश्यकता ज़रूर होनी चाहिए, और ये हैबिट आपको बिल्ड करनी होगी अपने अंदर अगर आप कोई भी बड़ी अचीवमेंट अपने लाइफ में करना चाहते हो। बढ़ेंगे आगे नंबर 8 पॉइंट की ओर फ्रेंड्स, जो कि आप रिटर्न में, आई होप, मुझे उम्मीद है आप इन सभी पॉइंट्स को लिख रहे होंगे और लिखेंगे नहीं, साथ साथ में अपनी लाइफ में भी इनको अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये बहुत फ़ायदा देंगे ये सारे पॉइंट्स। नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे, कमिट योर सेल्फ टू योर विजन। जी हाँ दोस्तों, अपनी दृष्टि के लिए खुद को प्रतिबद्ध रखें। कमिट योर सेल्फ टू योर विजन, जो भी आपका विजन है, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आपका गोल है, आपको उसके प्रति अपने आप को कमिट करना होगा, उस पर फोकस करना होगा और उसके बारे में हमेशा प्लान करना होगा और उसे आपको कभी भी नहीं भूलना होगा। आप उसे हमेशा याद आपको रखना होगा क्योंकि आप उसके प्रति। बढ़ेंगे नंबर 9 पॉइंट्स की ओर फ्रेंड, जो कि आपके लिए, व्हेन यू हैव ए डेफिनेट टारगेट इट पोजीशन यू हैव रियल सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, जब आप एक निश्चित लक्ष्य है, जब आपके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है, तो यह आपको वास्तविक सफलता के लिए
प्रदान करता है। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेट टारगेट का होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए लाइफ में, कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पहुँचना है, आपको अपने लाइफ में किस लेवल तक आगे बढ़ना है, किसी भी काम में आपको कैसे अचीव उसे करना है, उसका एक प्रॉपर आपके पास में एक डेफिनेट टारगेट, एक डेफिनेट रोडमैप का होना बहुत ज़रूरी है। बढ़ेंगे फ्रेंड नंबर 10 की ओर, जो कि आपके लिए नंबर 10 पे जो पॉइंट्स मैंने रखा है आपके लिए है, वो है ए स्पेसिफिक गोल डज नॉट टेक यू अराउंड इन सर्कल, इट पुट्स यू ऑन ए डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक विशिष्ट लक्ष्य आपको घेरे में नहीं लेता है, यह कार्रवाई के लिए एक प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम पर आपको ढालता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट वे में है कि एक प्रॉपर जो आपका एक गोल सेटिंग होता है वो आप एक सर्कल में ही नहीं आपको रहने देता, बल्कि आप उसके प्रति अपनी डेवलपमेंट, अपने कोर्स को या अपनी डेवलपमेंट को उसके अनुरूप आप ढालते रहते हो, उसके अनुरूप आप अपने आप को बनाते रहते हो, जो कि आपकी एक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प आपको करता है। तो आपका जो एक प्रॉपर जो गोल है, आप सिर्फ उसकी सराउंडिंग में ही आप नहीं रहोगे, उसके अराउंड में ही आप नहीं रहोगे, आप उससे भी ऊपर निकल के आओगे, क्योंकि आपके पास एक एक्शंस होगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ेंगे हमारे आखिरी पॉइंट्स की ओर, जो कि हमने आपके लिए रखा है नंबर 11 पे, वो है गोल्स आर रीच्ड वन स्टेप एट ए टाइम। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे गोल्स होते हैं, लक्ष्य एक समय में एक कदम पर पहुंच जाते हैं। हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स के ज़रिए भी हम अपने एक स्टेप्स को एक टाइम में हम अचीव कर ही लेते हैं। तो अगर हमारे पास में हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के स्टेप हों, पॉइंट्स में हमने उसे लिखा हो, तो और आप डेली हम उसके ऊपर काम कर रहे हों, तो एक ना एक दिन हम अपने लक्ष्य तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो ये थे दोस्तों आपके लिए वो 11 रीजंस कि क्यों गोल सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, तो गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर उसको एक प्रॉपर प्लानिंग और गोल सेटिंग और प्रॉपर डेडलाइन के साथ में उस चीज़ को करते हैं, तो आप उस तक बड़ी आसानी से और प्रॉपर टाइमिंग के साथ में आप पहुंच सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।